हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को RRTS की अपडेट देने वाला हूँ 82 डेज के बाद में सराय काले खां से लेके खिचड़ीपुर के बीच की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये बनाया जा रहा है रैपिड रेल का सराय काले खां का स्टेशन। तो यहाँ पे कॉन्कोर्स लेवल की फ्लोरिंग का काम हो गया है और प्लेटफॉर्म वाले लेवल के लिए अभी यहाँ पे गर्डर्स को रखने का काम चल रहा है। लास्ट टाइम यहाँ की अपडेट ये थी। तो लास्ट टाइम काम चल रहा था पिलर कैप के द्वारा पिलर्स को आपस में कनेक्ट करने का, और यहाँ से आगे की साइड में अभी प्लर्स को पूरी तरीके से रेडी किया जाएगा। लास्ट टाइम इस पॉइंट की अपडेट ये थी। तो लास्ट टाइम सिर्फ प्लर्स की फाउंडेशन का और पाइलिंग का काम ही हुआ था, और इस बार देख सकते हो यहाँ पे प्लर्स को बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है। अभी इन प्लर्स को इनकी मैक्सिमम हाइट तक रेडी किया जाएगा, और इस साइड में यहाँ पे ये दो प्लर्स हैं इनकी फाउंडेशन का काम किया जाएगा, और यहाँ से आगे वाली साइड में भी पिलर्स को बनाने का काम चल रहा है। तो इस साइड में मैक्सिमम पिलर्स बनने लग गए हैं। लास्ट टाइम यहाँ की अपडेट ये थी। तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन से यहाँ पे अच्छा खासा काम हो गया है, और यहाँ से आगे वाली साइड में अभी पिलर्स को पूरी तरीके से रेडी किया जाएगा। तो यहां तक बनाए गए हैं पिलर्स, और इस साइड में ये है वेस्ट टू वंडर पार्क। तो इसके मेन गेट से आगे की साइड तक पिलर्स को बनाने का काम किया गया है। तो टॉप एंगल से भी देख सकते हो यहां पे कॉन्कोर्स लेवल के ऊपर फ्लोरिंग का काम हो चुका है। और यहाँ पे अभी दोनों लेवल पे पिलर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे काम किया जा रहा है पिलर कैप का, और आगे की साइड में पिलर कैप का काम हो गया। यहाँ पे भी पिलर कैप का काम किया जा रहा है, और यहाँ पे अभी पिलर्स को ऊपर की साइड में एक्सटेंड करके आपस में कनेक्ट किया जाएगा, और आगे की साइड में यहाँ पे काम चल रहा है प्लेटफॉर्म की फ्लोरिंग का। तो इस साइड में तो फ्लोरिंग का काम हो चुका है। लास्ट टाइम यहाँ की अपडेट ये थी। तो लास्ट टाइम काम किया जा रहा था गर्डर्स के द्वारा पिलर्स को आपस में कनेक्ट करने का। और स्टेशन से आगे की साइड में अभी प्लर्स को पूरी तरीके से रेडी किया जाएगा। लास्ट टाइम यहां की अपडेट ये थी। तो इस साइड में तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन से ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई है प्लर्स के ऊपर। अभी यहां पे प्लर्स को पूरी तरीके से रेडी किया जाएगा इनकी मैक्सिमम हाइट तक। और आगे की साइड में यहाँ पे ये वाले जो पिलर्स हैं ये जा रहे हैं जंगपुरा में जो डिपो बनाया जाएगा उस साइड में, और इस साइड के पिलर्स जा रहे हैं न्यू अशोक नगर आनंद विहार वाली साइड में। तो इस साइड में बारापुला फ्लाईओवर से पहले ऑलमोस्ट सारे पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं पिलर कैप के साथ में। तो ये है बारापुला फ्लाईओवर, और यहाँ से पहले की साइड के ये पिलर्स थे जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे, और आगे की साइड में इन दोनों पिलर्स को पूरी तरीके से रेडी किया जाएगा।
फ्लाईओवर से जस्ट पहले का ये पिलर यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे ये जो बीच में पिलर है इसके ऊपर काम चल रहा है। लास्ट टाइम इसकी अपडेट ये थी। और फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में ये पिलर यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। इसके ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा और आगे की साइड के दोनों पिलर्स के ऊपर भी पिलर कैप का काम किया जाएगा। लास्ट टाइम इस साइड की अपडेट ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम यहाँ पे ये पिलर पूरी तरीके से बन के रेडी नहीं हुआ था। और यहाँ पे रोड के बीच में ये जो पिलर है ये भी बन के रेडी हो चुका है। लास्ट टाइम इसकी अपडेट ये थी। और रोड को क्रॉस करने के बाद के ये जो दोनों पिलर्स हैं ये काफ़ी टाइम पहले बन के रेडी हो चुके थे। इनके ऊपर पिलर कैप का काम बचा हुआ था। तो यहाँ पे इस साइड के पिलर के ऊपर पिलर कैप का काम हो रहा है। और अभी यहाँ पे पिलर को बनाया जाएगा। आगे की साइड में इस पिलर के ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा। और यहाँ से आगे की साइड के जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे लग रहा है ये लॉन्चर, जिसने पीछे की साइड में काफ़ी लंबा वायडक्ट रेडी कर दिया है। लास्ट टाइम यहाँ की अपडेट ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम यहाँ पे वायडक्ट रेडी नहीं हुआ था। लास्ट टाइम यहाँ पे लग रहा था लॉन्चर। तो यहाँ तक रेडी हो चुका है ये वायडक्ट। और जो अगला पिलर है वो बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर अभी पिलर कैप का काम किया जाएगा। और अगले वाला पिलर पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ से आगे की साइड में अभी पिलर्स को बनाया जाएगा। ये यहाँ पे एक पिलर और है जो पिलर कैप के साथ में रेडी हो गया है। और यमुना रिवर से पहले यहाँ पे ये एक पिलर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। और जो अगला पिलर है वो बन के रेडी हो चुका है। उसके ऊपर पिलर कैप का काम चल रहा है। और अगले दोनों पिलर रेडी हो चुके हैं पिलर कैप के साथ में। इस एंगल से भी देख सकते हो यहाँ पे अभी पिलर्स को बनाया जाएगा। तो इस साल के लास्ट तक यमुना रिवर के पास में सारे पिलर्स बन के रेडी हो जाएंगे। और यमुना रिवर को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे ये लग रहा है लॉन्चर, जिसने ये छोटा सा वायडक्ट रेडी कर दिया है। लास्ट टाइम की अपडेट यहाँ की ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम यहाँ पे लॉन्चर नहीं लग रहा था। लॉन्चर थोड़ा पीछे की साइड में लग रहा था। तो यहाँ तक रेडी हुआ है वायडक्ट। और यहाँ से आगे की साइड में ये यहाँ पे रोड के बीच में जो पिलर है ये बन के रेडी हो गया है। और रोड को क्रॉस करने के बाद के जो पिलर्स हैं ये भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। और इनके ऊपर पिलर कैप का काम भी हो गया है। अभी इन पिलर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। और सामने की साइड में है दिल्ली नोएडा लिंक रोड। तो इस एंगल से भी देख सकते हो यहाँ पे सारे पिलर्स पिलर कैप के साथ में रेडी हो चुके हैं। बस बीच में ये एक पिलर रह गया है जिसके ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा।
और आगे की साइड में लिंक रोड के बीच में यहाँ पे जो पिलर है ये भी बन के रेडी हो गया है। लास्ट टाइम इसकी अपडेट ये थी, तो देख सकते हो लास्ट टाइम ये पिलर फाउंडेशन वाली स्टेज में था और रोड को क्रॉस करने के बाद का जो अगला पिलर है इसके ऊपर काम चल रहा है पिलर कैप का। लास्ट टाइम इसकी अपडेट ये थी। और यहां से आगे की साइड में जो पिलर्स होंगे उनकी पाइलिंग का काम हो गया है। और यहाँ पे ये एक पिलर है जो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है और यहाँ से आगे वाली साइड में भी अभी पिलर्स को रेडी किया जाएगा। यहाँ पे इन दोनों पिलर्स को रेडी करके आपस में कनेक्ट किया जाएगा और आगे की साइड में ये तीनों पिलर यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। लास्ट टाइम ये वाला पिलर यहाँ पे बन के रेडी नहीं हुआ था। ये थी लास्ट टाइम यहाँ की अपडेट, तो देख सकते हो ये पिलर यहाँ पे बन के रेडी नहीं हुआ था। और ये आ जाता है न्यू अशोकनगर का मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो के वायडक्ट से पहले यहाँ पे ये जो पिलर्स हैं इनको पूरी तरीके से रेडी किया जाएगा और सामने की साइड में काम चल रहा है न्यू अशोकनगर के रैपिड रेल के स्टेशन को बनाने का। और मेट्रो के वायडक्ट से इस साइड में अभी पिलर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे मेट्रो और रैपिड रेल के स्टेशन के बीच में कनेक्टिविटी भी होगी और आगे की साइड के पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। अभी यहाँ पे पिलर्स को ऊपर की साइड में इंक्रीज किया जाएगा और ये लग रहा है यहाँ पे लॉन्चर। तो इस लॉन्चर ने आधा वायडक्ट रेडी कर दिया है स्टेशन का और यहाँ पे नीचे की साइड में पिलर्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है गर्डर्स के द्वारा। और इस साइड में फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो गया है कॉनकोर्स लेवल के लिए। लास्ट टाइम इस स्टेशन की अपडेट ये थी। तो लास्ट टाइम यहाँ पे लॉन्चर स्टेशन के स्टार्टिंग वाले एरिया में लग रहा था, मतलब यहाँ पे, और स्टेशन के इस साइड में देख सकते हो स्टार्टिंग वाले एरिया में प्लेटफॉर्म की फ्लोरिंग का काम स्टार्ट किया जा रहा है। और यहाँ से आगे की साइड में काफ़ी लंबा वायडक्ट रेडी हो गया है। और अब यहाँ पे ऊपर की साइड में वायडक्ट के ऊपर ट्रैक्स को पहुँचाया जा रहा है। तो ये देख सकते हो एरियल व्यू में यहाँ पे ट्रैक्स को ऊपर की साइड में पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रैक्स को बिछाने का जो काम है वो जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। तो ये वाला जो फेस है साहिबाबाद से लेकर सराय काले खां तक का, ये जून 2024 तक स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट टाइम यहां पे लग रहा था लॉन्चर। तो ये लग रहा है यहां पे लॉन्चर। तो ये आगे की साइड के यहां पे ये दो पिलर रेडी हो चुके हैं और यहाँ से आगे की साइड में पिलर्स को रेडी किया जाएगा पूरी तरीके से। तो ये थी लास्ट लोकेशन जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है और वहाँ से आगे की साइड में ये एक पिलर यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे ये जो रोड के बीच में जो पिलर बनाया जा रहा है इसको यहाँ पे रेडी किया जाएगा।
अगले वाला प्लर रेडी हो गया है। और यहाँ पे काम किया जा रहा है प्लर कैप के फ्रेम को रेडी करने का। और आगे ही साइड में देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है खिचड़ीपुर के पास में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गया है। लास्ट टाइम की अपडेट यहाँ की ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम यहाँ पे इस ब्रिज का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। और आगे ही साइड में यहाँ पे प्लर्स को रेडी किया जाएगा। फाउंडेशन का काम तो यहाँ पे हो चुका है। और आगे ही साइड में यहाँ पे रैंप की फ्लोरिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से रैपिड रेल धीरे धीरे एलिवेटेड सेक्शन से अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो आगे ही साइड में काम चल रहा है टनल बोर करने का। तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे की साइड में रह गया है आनंद विहार का स्टेशन, जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को अंदर से दूंगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आनंद विहार के स्टेशन को बाहर से कवर नहीं किया है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।